किया जाए। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एस बी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब? टॉर्क इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। फिर से कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क यानी कि बल लागू। दोनों माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है? तो शुरू किया जाए। इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक एक ही लिखे हैं क्योंकि भाई थंबनेल तो समझ रहे हैं, इसमें हौज पोछ नहीं होना चाहिए। इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक हम वर्क डन भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क डन भी निकालेंगे। तो भाई साहब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या पढ़ने का। भाई इससे पढ़े टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल लागू। तो पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। आप लोग पढ़ के आओगे, कल होमवर्क मिला था? कल होमवर्क मिला था क्या? मिला था क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले बना लिया जाए। अच्छा, इसको रिलेट करेंगे तो मजा आ जाएगा। किससे रिलेट करना चाहिए भाई? ठीक लग रहा? देखिए तो पीछे से, आगे पीछे ना लग रहा? लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है तो लगने दीजिए। एक और खींच लेते हैं। थोड़ा थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं। चलो भाई साहब पहले हम इसमें देख लेते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए भाई साहब, इधर हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं जिसमें एक माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू होता। यहाँ पर जो आप सुनिए ध्यान से, ये क्या है? इलेक्ट्रिक बिल। ये क्या है? इलेक्ट्रिक बिल। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक बिल है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इलेक्ट्रिक बिल के अंदर में अगर प्लस चार्ज दिखेगा तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? उसके ऊपर वार करेगा। और किधर की ओर? उस पर जो फोर्स लगेगा चार्ज पे, बाहर की ओर, प्लस में क्यू। जो फोर्स लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या लगेगा? क्यू ई, प्लस में। और इलेक्ट्रिक बिल के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक बिल के जब डायरेक्शन में मतलब जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर माइनस क्यू है, बता चुके हैं पहले चरण में, माइनस क्यू है तो इसके अपोजिट में लगेगा फोर्स रहेगा माइनस क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा? माइनस क्यू, माइनस क्यू ई। कोई दिक्कत? अब भाई ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बल लगेगा तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे है, इसको हम इधर खींच रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे पेन है, इसको हम इधर खींच रहे हैं, इसको बाद क्या उत्पन्न हो जाएगा? ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी वही बात है, यहां भी बात वही है। यहां पे हमने क्या किया? एक हमने बना लिया बार मैग्नेट, बना लिया। यहां आपका नॉर्थ है, यहां आपका क्या है? साउथ है। यहां भी एम है, यहां भी एम है। बात समझते हैं? नहीं समझते हैं? अब बताइएगा, इलेक्ट्रिक बिल है, मैग्नेटिक बिल है। सुनो, मैग्नेटिक बिल के अंदर हमने बार मैग्नेट रखा। अच्छा, इसका लेंथ क्या होता है? यहां से यहां का लेंथ, इसका लेंथ 2a होता है। तो यहाँ जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पता है? P वेक्टर क्रॉस
ये क्या होता है? अच्छा चलिए, यहां भी हमको टॉर्क निकालना है, कैसे निकालेंगे तो नहीं समझिए। जब यहां इधर लगा है क्यू तो यहां भी इधर लगेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा एम बी क्या रहेगा। अरे यहां पर चार्ज नहीं है, यहां पे ध्रुव प्रबलता है, पोल स्ट्रेंथ है एम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या बी एम बी, प्लस वाला हो जाएगा एम बी। यहां पर इधर फिर क्या लगेगा माइनस का एम बी, ठीक है कोई दिक्कत। इसको भी घुमाना है, इसका लेंथ कितना है मेरे भाई, इसका लेंथ जो है यहां से यहां का लेंथ है 2L, क्या है 2L. नहीं नहीं दिखा बच्चा, इधर 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 करने का लेंथ है 2L, कोई दिक्कत नहीं, इधर 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 इधर। चलो सुनिए, तो भाई साहब ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं क्या, टॉर्क का फॉर्मूला जानते क्या, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टी ओ आर क्यू यू ई, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, अच्छा इसको परपेंडिकुलर कैसे लिखे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर। हाँ हिंदी में चाहिए भाई, हिंदी में बाला बोल लिख लीजिए एक्शन, एक्शन ए सी टी आई ओ एन। अच्छा तब का इसको घेर देते हैं, मतलब इसको छोटा कर देते हैं, अब इसको इसका काम ही नहीं है, ये हो गया इधर कहानी खत्म, इसको अब क्या कर दिया जाए छोटा, हाँ रण ये कोना वगैरह का पड़ा हुआ, बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल आघूर्ण बल गुने क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है ये होता है। तो बल आघूर्ण को तो हम बोलेंगे टॉर्क, क्या बोलेंगे टॉर्क, अब बल बल कितना रहा है इधर एम बी इधर एम बी, बल तो लिख देंगे एम बी, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्रिया रेखा का मतलब लंबा दूरी, तो क्रिया रेखा क्या होगा भाई, क्रिया रेखा क्या होगा, एक हो क्रिया रेखा ये हो रहा है इस यहाँ, एक हो रहा है यहाँ, ये ना होगा ये क्या रेखा, तो इसके मध्य जो लंबवत दूरी होगी ये चाहिए, इसके बीच की जो लंबा दूरी है ये है, यही चाहिए, ये लाइन हमको चाहिए गब्बर ना, मैं कहता ठाकुर मुझे ये हाथ चाहिए, तो मुझे ये लाइन का डिस्टेंस चाहिए, ये ठीक है। तो भाई साहब ये थोड़ा इसको इसे इसको इसे इसको इसे देखा जाए क्या, कौन सा बन गया, ये आपका पूरा है 12, आई है 90, आई है ना फिटा है, इसका हमको कहते अगर इसका ये कंपोनेंट निकालना पड़े, कंपोनेंट से समझते हैं, इसका ये कंपोनेंट हमको तो यही चाहिए, ये वाला चाहिए, तो हमको सुनिएगा ध्यान से, ये सुनिएगा इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2L cos theta, क्या हो जाएगी 2L cos theta, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2L sin theta, इसे में ना विश्वास हुआ नहीं ना, समझिए हमको निकालना है sin, क्या निकालना है sin, तो sin का बड़ा कर लंबा बड़ा कर, अरे हमको ये निकालना करे, और ये चाहिए ऊंचाई में दूरी पड़े थे, ऊंचाई में दूरी पड़े थे थीटा के सामने लंब, और ये क्या है कर्ण, तो लंब कर्ण कौन थीटा sin का, हमको sin का निकालना रे, अब ये का सर टेंडे को निकालेंगे tan थीटा क्यों नहीं निकालेंगे, cos थीटा क्यों नहीं निकालेंगे, तो भाई हमको निकालना क्या है ये मतलब ये वाला ये लंब निकालना है, और दिया हुआ क्या है हमको कर्ण, तो लंबे और कर्ण में ना मतलब रिलेशन देखेंगे कि क्या है, लंब तो लंब कर्ण कौन का sin थीटा, sin वाला sin वाला और लंब बटा कर्ण, लंब नहीं मालूम है, लंब मान लेते ये वाट है, लंब नहीं मालूम है ये वाट है,
बटावे क्या हो जाएगा कर्म टू ए, तो ये वहां हमको ये निकालना वाट, तो वहां का बराबर क्या हो जाएगा टू एल साइन हो जाएगा, टू एल साइन। अब कैसे निकाल के बता दे, समझ में आया क्या, तो यहाँ आया टू एल साइन। तब मेरे भाई इधर सुनो, ये m को पकड़ लीजिए और ये 2n को पकड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा कैपिटल m, टॉर्क बराबर हो जाएगा कैपिटल m और ये हो जाएगा b और ये साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर इसको पॉजिटिव लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म है, टॉर्क बराबर लिख दीजिए m वेक्टर प्लस b वेक्टर, अरे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या था, a भी साइन था, घुमाने में किया गया कार्य, बात तो वही था यहाँ पर। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो तेरी मेरी कर रहा है, इसको तेरी मेरी मतलब देख लीजिए, तेरी मेरी मतलब यहाँ देख लीजिए, हाँ तेरी मेरी थोड़ा ठीक है, इसमें वही बात रखेंगे क्या, चलिए हो गया। अब तो नहीं सुन लीजिए बात, अच्छा ऐसा करते हैं इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है जो भी है, यहाँ आपका नॉर्थ है, यहाँ आपका क्या साउथ है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी क्या है एम है। अब तो नहीं सुन लीजिए बात, कमर सुन लीजिए, इस प्रकार है, यहाँ पर इस तरफ क्या लग रहा है प्लस में एम भी, इधर क्या लग रहा है, अब हमको करना है कुछ गड़बड़ी, ई घूम रहा है एम, एंगल यहां से कितना है 90 डिग्री, एंगल थीटा है, एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, थीटा एंगल पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये इस पर था, ई एम घूमना चाह रहा है, हम क्या करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा काबिल बनेंगे, क्या करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा कार बनेंगे, अब इसको जो है इनमें भी खींच रहा है, ये भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने रखा बार मैग्नेट रखा, इसको इधर घुमाने का कोशिश किया, ये इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है, हम करेंगे इसको कहीं नहीं, हम इधर घुमाएंगे, हम इधर घुमाएंगे, हम इधर घुमाएंगे, समझे बात को, हम क्या करेंगे हम इसको इधर घुमाएंगे इधर, तो ये तो मालूम है कि ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है क्लॉक वाइज, लेकिन हमको घुमाने का इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमाने का किधर एंटी क्लॉकवाइज, और इसको घुमा करके हम घुमा करके क्या कर दिए, घुमा करके इसको क्या कर दिए, इस प्रकार कर दिए, घुमा करके इसको इस प्रकार कर दिए, पहले मान लेते हैं पहले मान लेते हैं किस पे था, ये थीटा पर था, थीटा वन पे, अब किस पर घुमा कर दिए हम लोग थीटा टू पे कर दिए, अच्छा ये वो चीज हो सकता है कि हम इतना नहीं घुमाए, हो सकता है कि हम तन के घुमाए, तन का एकदम तन का घुमाए, एकदम तन का घुमाए, तो तन का घुमाना मतलब कितना घुमा रहे हैं, डी थीटा घुमा रहे हैं, तनका घुमाना मतलब डी थीटा विस्थापित करना भाई, एकदम हल्का विस्थापन मतलब डी थीटा विस्थापित करना, अरे भाई ऐसा है इसको तनका उठा दिए एकदम हल्का, तनका उठा दिए तो डी थीटा ना बोलेंगे, पूरा थीटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एकदम हल्का घुमा रहे, एकदम हल्का बहुत हल्का, तो कौन अच्छा सुनिए वो चीज, उधर से वो लगा रहा था टॉर्क, लगा रहा था टॉर्क, तो हम अगर इसको एना घुमाएंगे तो हम भी तो लगाएंगे टॉर्क,
अरे वो घुमा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो घुमा रहा था, वो घूम रहा था तो उसने बल लगाया तो उसका नाम हो गया टॉर्क। क्या नाम हो गया? टॉर्क। अगर हम इसको इतने घुमाएंगे तो हम भी लगाएंगे टॉर्क, हम तो लगाएंगे टॉर्क। और टॉर्क लगाएंगे हम जो लगाए तो हम जो हमने जो बल लगाया वो बल हुआ टॉर्क, हमने जो बल लगाया वो बल क्या हुआ? टॉर्क। लेकिन हम बल लगाए तो नहीं घसक गया, मतलब बल लगाए घसक गया, बल लगाए विस्थापन हुआ, बल लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं समझे? अरे बल लगा दिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, बल लगा दिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क उत्पन्न हो गया। अरे वर्क मतलब कार्य, वर्क मतलब कार्य, कार्य मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एस कॉस्ट इट होता है ना, था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, था नहीं होता है? होता है। तो अब सुनिए, हमने इसको डी थीटा विस्थापित किया, हमने जो बल लगाया वो टॉर्क लगाया तो वर्क उत्पन्न हो गया। तो विस्थापित कितना किया? थीटा किया तो वर्क हम लोग निकालेंगे, लेकिन विस्थापित एकदम तनका हुआ है तो वर्क भी तन के निकालेंगे। विस्थापित तनका हुआ है एकदम तनका, डी थीटा विस्थापित हुआ है तो वर्क भी तो डीडल होगा। तो भाई यहां पर जो फोर्स जो होगा, फोर्स किसका? फोर्स क्या होगा? टॉर्क। फोर्स जो यहां काम करेगा किसका? टॉर्क का। टॉर्क क्या होगा? हम निकाल चुके हैं mb sin थीटा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? डी थीटा डिस्प्लेसमेंट। आइए तो हम लोग क्या निकालते हैं? डी डब्ल्यू, क्योंकि वर्क नहीं निकाल सकते डैट यार, क्योंकि हम लोग विस्थापित तनका कर रहे हैं तो वर्क भी तनके ना होगा, तो तनका डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना भाई? टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क कितना है? एम बी साइन थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डी थीटा। कोई दिक्कत? हम भी बह जाते हैं। सुनिए, ये समझा टॉर्क है एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब बताइए हमको निकालना है वर्क, हमको निकालना वर्क क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो आम बात है, इतना बनाते 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 इंटीग्रेशन ज्यादा, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। क्या कर दीजिए? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक करेंगे भाई? थीटा वन से जा रहे हैं कहां पे? थीटा टू। अरे यहां से जा रहे हैं यहां, तो यहां पर था आपका थीटा वन, यहां पर थीटा वन था, ये थीटा वन है और ये थीटा टू है। थीटा वन से इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इधर डाटे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। थीटा वन से थीटा टू, तो ये वर्क बराबर हो जाएगा आपका। अच्छा एक सुनिए, इस सब का इंटीग्रेशन कर सकते हैं संभव है? एम बी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू किसका? साइन थीटा इंटू में डी थीटा। साइन अगर इंटीग्रेशन करना है किस रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में करने का वर्क डन बराबर एम बी रह जाएगा यहीं पर, एम बी मतलब एम बी मोबाइल वाला एम बी नहीं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। अब ऐसा करें माइनस बाहर निकाले, माइनस एम बी, और ये देखिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस को, तो माइनस बाहर आ गया, हो गया इसका कॉस थीटा। थीटा वन से थीटा टू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आइए वर्क बराबर माइनस का एम बी, और अब लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए फिर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब ये माइनस से गुणा कर दीजिए, इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एम बी cos, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस का cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा 1। वर्क बराबर एम बी क्या हो गया? एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। का है रख दीजिएगा, अब कल्ला रखिएगा, बस इतना ही पर छोड़ा ही रहता, इतना ही पर बुकों में रहता कि इतना ही पर आपका क्या कहता है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना ही पर रहेगा, समझे? आप ऑब्जेक्टिव में इतना ही पर रहेगा, कल्ला रख सकते हैं, आपको आपकी इच्छा है, ठीक है? लेकिन आज समझना क्या वर्ड इतना निकल गया, कोई दिक्कत क्या इसमें? किसी को परेशानी नहीं ना? तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थ में पढ़ेंगे, नहीं तो एक और टॉपिक बचा हुआ उसको पढ़ लें। अब कहिएगा सर आपने इक्वेटोरियल पर निकाल दिया, एक्सिस पर निकाल दिया, आप सर एनी पॉइंट पर नहीं निकाला, तो आप लोग निकाला नहीं? एनी पॉइंट पर आप निकालो, हम तो निकाल चुके हैं, ट्रिपल में निकाले निकाल चुके हैं, तो उसी प्रकार चल रहा है, उसी प्रकार से बना लीजिए इसमें भी, क्या
भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सिर्फ शेयर करने के लिए बोलते भाई, लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलते, क्योंकि अच्छा लगेगा तो आप लोग करके कीजिए, ठीक है। तो भाई साहब अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।